हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन टू द वेस्टर्न स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी, डिफरेंसेस देखे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होते हैं, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एक ट्रेनी अकाउंटेंट का क्या काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम चैप्टर 2 में बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, और कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम देखेंगे। अब जो आपका MA 1 की बुक है कैपलन की, उसमें जो चैप्टर 2 में आपको पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर 1 है, ठीक है? तो कन्फ्यूज आपने नहीं होना, मैंने चैप्टर 2 जो है वो आपको पहले पढ़ाया है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये MA 1 की बुक का चैप्टर 1 है, लेकिन मेरे सीक्वेंस के मुताबिक चैप्टर 2 है। स्टार्ट करते हैं जी। पहले तो बात कर लेते हैं कि वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, के एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि काम कर रहे होते हैं किसी एक मकसद को अचीव करने के लिए, ठीक है? वैसे स्ट्रक्चर को, वैसी अरेंजमेंट को आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। अब क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, और बिजनेस का क्या मतलब होता है कि बंदा काम शुरू करता है, वर्क शुरू करता है किस मकसद के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं, ठीक है? एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल अरेंजमेंट होती है जिसमें लोग इकट्ठे परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ साथ काम कर रहे होते हैं ताकि वो अपने मकसद को यानी कि प्रॉफिट को अचीव कर सकें। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर, ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, पार्टनरशिप्स हैं, फर्म्स हैं, सारा यही काम कर रही होती हैं, ठीक है? वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाती हैं। अब हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक ऑफिस चाहिए होता है, ठीक है? और ऑफिस जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर कोई इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है, प्लस वहीं से आप चीजों को जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हो, ठीक है? अब हम बात करते रहते हैं कि ऑफिस के क्या फंक्शंस हैं। देखिए ऑफिस के बहुत सारे मेजोरिटी फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ हम फंक्शंस की बात करेंगे जो कॉमन है, तकरीबन हर ऑफिस में वो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है? अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हेड ऑफिस है, वो क्या क्या काम कर रहा होगा। नंबर 1, परचेजिंग एंड सेल्स, ठीक है? वो परचेजिंग को बेसिकली देख रहा होगा, ठीक है? कि रॉ मटेरियल परचेज करना, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सप्लायर कौन सा चूज किया है, डिस्कशन जो है वो यहाँ से हो रही होंगी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि इम्प्लॉयज को जो है आप हायर करते हो, ठीक है? इम्प्लॉयज को हायर करते हो, उनका इंटरव्यू आप ऑफिस में आके लेते हो, आप स्टाफ को जो पे करते हो, PHR डिपार्टमेंट का काम होता है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स वाले जो है बेसिकली कर रहे होते हैं। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, आप कॉल्स रिसीव कर रहे हो, टेलीफोन लगा हुआ है, इंक्वायरीज को आप देख रहे हो, ठीक है? आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगने, आप उनको देख रहे हो, ठीक है? तो ये सारे जो है ये बेसिकली एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस फंक्शन होता है ऑफिस का, फाइनेंस का पर्पज होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनसे आपने पैसे जो है वो कलेक्ट करने, ठीक है? तो जो रिसीविंग ऑफ कैश है वो भी ऑफिस ऑफिस के फंक्शन में आ सकता है। सेलिंग और मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है? और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करने, उनकी सेल्स रिकॉर्ड करना, ठीक है? उनको मार्केट करना, ये भी सारे ऑफिस के काम है, ठीक है? अब ऑफिस जो है बेसिकली उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस किया जा रहा होता है, ठीक है? वहां पर हर चीज का रिकॉर्ड मेंशन होता है कि किससे आपने कितनी पेमेंट्स लेनी है, इम्प्लॉयज को कितने पैसे देने हैं, ठीक है? आपने अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो कितना लिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और इस किस्म के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आपके ऑफिस में ही होते हैं, ऑफिस से ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। किसी बंदे ने आना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो वो आपके ऑफिस में ही आएगा। आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? आप मैन्युफैक्चर करते हैं, अब आपकी फैक्ट्री तो कहीं दूर होगी, आउट ऑफ सिटी होगी, लेकिन जो आपका ऑफिस है वो मेन सिटी में होगा। अब लोगों ने अगर कोई आपसे आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो आपके ऑफिस में आएंगे, ठीक है? वहां से डीलिंग शेयरिंग सारी होगी, ठीक है? इसीलिए ऑफिस जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यहीं से आप ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर कर रहे होते हो, और यहीं से जो है ना आपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर किया होता है, रिकॉर्ड किया होता है। इसके बाद जो है ऑफिसेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज ऑफिस, एक होते हैं डिसेंट्रलाइज ऑफिस। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो एक ही जगह से हो रहे होते हैं, और वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस है,
वहीं से सारी चीजों को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है, वहीं से सारे फैसले लिए जा रहे हैं, मेजोरिटी काम वहीं से हो रहा है। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जो अरेंजमेंट होती है, ऐसा जो ऑफिस होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑफिस। एक ही जगह से आप जो है ना पूरी चीजों को मैनेज कर रहे होते हो। जैसे कि आज अभी मार्केट को रूल करने वाली कंपनी है एप्पल कंपनी, आईफोन की। अब एप्पल जो है उनका एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक उनका हेड ऑफिस है यूएसए में, वहीं से वो चीजों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहीं से जो है ना ब्रेन सारे वहीं पर वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा ऑफिस जो होता है जहां से आप उसी जगह से आप सारा कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वो आपका सेंट्रलाइज ऑफिस कहलाता है। उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट, अगर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टास्क हैं वो आप डिफरेंट लोकेशन से कर रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर, वो अरेंजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांच है, कंट्री ए में ब्रांच है, कंट्री बी में ब्रांच है, कंट्री सी में ब्रांच है, कंट्री डी में ब्रांच है। अब यहाँ पर जो है मैकडोनल्ड्स ने सबको दिया हुआ कि जी आप अपने अपने जो वेरियस लोकेशन पे ऑफिस है आप खुद उनको एडमिनिस्टर करें, ठीक है। अब एक पाकिस्तान में है तो वो उसको सेपरेट मैकडोनल्ड्स अथॉरिटी दी हुई है कि आप सारे टास्क यहीं से कैरी आउट करें। एक इंडिया में है वो इंडिया से कैरी आउट करेगा, एक आपका यूके में है वो यूके से कैरी आउट करेगा, ठीक है, एक आपका चाइना में है वो चाइना से कैरी आउट करेगा। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें जो है डिफरेंट लोकेशन से जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे हर कंट्री में एक एक कंपनी की हर कंट्री में ब्रांच है, तो जो कंपनी जो होती है वो हर किसी को अथॉरिटी देती है कि आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंट ब्रांच ही करें उस कंट्री की। ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइजेशन हम उसको कहते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को, ठीक है। तो अगर आप सारा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव का काम जो है मेन काम सारा जो ब्रेन है वो सारे वर्क कर रहे हैं एक हेड ऑफिस से, वही सेंटर पॉइंट है, तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और अगर आपके डिफरेंट ऑफिस इन डिफरेंट लोकेशन पे और हर लोकेशन वाला खुद चीजों को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वैसा जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब इनके फायदे क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होती है, वर्क की क्वालिटी इनहेंस होती है, क्योंकि एक ही हेड ऑफिस होता है, वहीं से सारे ब्रेन्स रन कर रहे होते हैं, वहीं से प्लानिंग हो रही होती है, वहीं से डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो हेड ऑफिस में जो है सबसे स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है वही इंप्लॉय होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक एप्पल है, अब एप्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो उनका अगर एक सेंटर, उनका एक ही मेन हेड ऑफिस होता है, तो ठीक है हेड ऑफिस में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो स्टाफ होता है इंप्लॉयड होता है, वो स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है, ठीक है, वो अपनी वर्क में जो उनका काम होता है उसमें वो सबसे जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं प्रॉपर, उन्हें ट्रेनिंग ली होती है। इसी वजह से जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है वहां पर जो आपके स्टाफ है वो स्पेशलिस्ट होता है, और स्टाफ के स्पेशलिस्ट होने की वजह से जो आपकी वर्क क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। अब क्योंकि एक ही आपका हेड ऑफिस है जहां से आप चीजों को चला रहे हैं, तो जो आपकी जो मशीनरीज है उनको आप अच्छे तरीके से बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपकी जो जगह है और जो कॉस्ट है उसमें भी आपकी कमी आएगी। अब अगर एक एक कंपनी है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रही है, अब वो अपने हर डिफरेंट मुल्क में अपने अपने ऑफिस खोल ले, तो हर ऑफिस की सेपरेट कॉस्ट उन्हें पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जबकि अगर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो, एक ही हेड ऑफिस हो, तो एक ही जगह है, एक ही लोकेशन है, तो खर्चा कम होगा, इसीलिए इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कॉस्ट, ठीक है। और एक्सपेंसिव मशीनरी भी इकोनॉमिकली इसी वजह से यूज होती है क्योंकि स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है जो ट्रेंड होता है वो इन मशीनरी को रन कर रहा होता है, वो इनसे काम ले रहा होता है, तो अच्छे तरीके से करता है एज कम्पेयर टू जूनियर वन, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं सेंट्रलाइजेशन के। अब इसके बरक्स जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उसके लिए लेस स्ट्रेस होता है। एक मैकडोनल्ड्स है वो यूएसए में उनका हेड ऑफिस है, उनके लिए स्ट्रेस नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक जो चीजें कि उन्होंने किस नई कंट्री में ब्रांच खोलनी है उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा इन ये लोग जाने जो पाकिस्तान कंट्री में ऑपरेट कर रहा है वो उसका काम है सारा कुछ डीलिंग करना, डिसीजंस देना। जो सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन पर स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन इंप्रूव होती है, क्योंकि जो जिस जगह पे जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस है वहां का जो मैनेजर होगा या वहां का जो हेड होगा उसके लिए एक ये प्लस पॉइंट होता है कि वो सारी चीजों को ओन करता है, क्योंकि उसी के फैसले चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वो हर किसी चीज को ओन कर सकता है, अगर सक्सेस हो रही है कंपनी की तो वो कह सकता है कि यार ये कि हमारा ऑफिस ही रीजन है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है जो कि एक मोटिवेशनल फैक्टर है।
फिर तीसरा है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ लोकल इश्यूज के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी के वो डिसेंट्रलाइजेशन में आप अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैकडोनल्ड्स जो है फास्ट फूड कंपनी है, अब कुछ जो फूड के आइटम्स होते हैं वो मुस्लिम्स नहीं यूज करते, वो हराम होते हैं। जो जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड ऑपरेट कर रहा होगा उसको इस चीज का पता होगा, ठीक है, कि ये इश्यूज हैं, तो वो उस हिसाब से जो है ना चीजों को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का। ऐसे हर जो कंट्री है उसका डिफरेंट जो है कल्चर होता है, तो उस हिसाब से जो ऑफिस हैं वो चल सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, बिल्कुल फैसले जल्दी से हो जाते हैं डिसेंट्रलाइज में। उसी वक्त जो है टॉप जो इंचार्ज होता है, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, वो फैसले ले लेती है एक ऑफिस की, ठीक है, कि ये करना है। ना कि सेंट्रलाइजेशन, अगर सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होता तो उन्हें वेट करना पड़ता कि यार हमें डिसीजन आएगा हेड ऑफिस से तो हम उसी डिसीजन को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन में जो है ना एक हेड ऑफिस है उसके डिसीजन का वेट करना, उस हेड ऑफिस के बंदे को पता भी नहीं है कि यहाँ पर इश्यूज की क्या नोयत है, ठीक है। इसीलिए चंद सिचुएशन में ये चीज वर्क नहीं करती। और लास्ट है कि वो स्किल्स जो है जूनियर मैनेजर की डेवलप करता है, बिल्कुल जूनियर मैनेजर जो है जो ऑपरेट कर रहा होता है वो उसकी स्किल सेट में एक इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, उसके पास एक जो है एक प्लस पॉइंट्स आ रहे होते हैं, एडिशनल उसको फायदे हो रहे होते हैं, और वो आगे यानी कि उसका प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट भी होता है कि वो जाके मतलब कि हेड ऑफिस में जाके उसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। अब इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली एक डायग्राम है, एक चार्ट है जो कि शो कर रहा होता है रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन फ्लो डिफरेंट लोगों का जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की एक पिक्चर आपको शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर भी जिसको कहते हैं, कभी एक बार वो आप उसको CEO भी कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल हेड होता है। उसके अंडर डिफरेंट मैनेजर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हवाले से। फाइनेंस मैनेजर होता है जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स देख रहा होता है। प्रोडक्शन मैनेजर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, कंप्यूटर सर्विस मैनेजर। MD के अंडर जो है ये पांच लोग आते हैं। ये पांच लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं MD को ये जवाब दे हैं अपनी अपनी रेलिवेंट फील्ड्स के लिए। अब मार्केटिंग मैनेजर जो है उसके अंडर आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजर आ जाता है और सेल्स मैनेजर। अब एडवर्टाइजिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर के जो भी काम है, ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं तो इसका देखें इसका क्रेडिट किसको जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर को जाएगा जो उनका हेड है। तो मार्केटिंग मैनेजर वाले जो है वो डिपेंडेंट होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, वो उनके लिए जवाबदेह होता है। इसी तरह सेल्स मैनेजर जो है उसके आगे फर्दर जो इंटरनल सेल्स आप कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं उसके सेपरेट मैनेजर्स हैं। ये सेल्स मैनेजर जो है ये इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि आपने कौन कौन सा बनना किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब एक एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कोई MD के पास नहीं जाएगा, वो पहले सेल्स मैनेजर से बात करेगा, सेल्स मैनेजर मार्केटिंग से करेगा, और मार्केटिंग वाला वो चीज़ एक मैनेजमेंट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेगा। तो ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है आपको एक रिलेशनशिप बता रही होती है और कम्युनिकेशन फ्लो बता रही होती है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट जो लोग हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किस पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का काम होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर बता रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो है पॉलिसी मैनुअल की बात कर लेते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पॉलिसी मैनुअल होता है, सिंपल वर्ड्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, ठीक है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सबसे जो सूटेबल होते हैं, सबसे जो अच्छे होते हैं वो लिस्ट डाउन होते हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हुई हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है, कैसे हमने एम्प्लॉयज को हायर करना है, आजकल के दौर में कोरोना का दौर है अगर वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, इन्वायरमेंट वर्क प्लेस की क्या है, कम्युनिकेशन की पॉलिसीज क्या है। मैंने जैसे आपको बताया पिछले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कि एक आप डायरेक्टली कोई ऊपर वाले टॉप लेवल के पास जाके नहीं कोई कंप्लेन फाइल कर सकते या कम्युनिकेट कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पॉलिसी मैनुअल में लिखा होता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जो आपको वर्क प्लेस में फॉलो करना है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस किस्म की चीजें रूल्स और गाइडेंस जो है वो पॉलिसी मैनुअल में लिखी होती हैं। पॉलिसी मैनुअल जो है वो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है हर जो है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जो एम्प्लॉई है उसको आप एम्प्लॉई या स्टाफ है उस आपके लिए जरूरी है कि आप उसको पॉलिसी मैनुअल जो है उस तक पहुँचाएं, ठीक है।
या तो वो ओरली आप उसको बता सकते हैं कि ये रूल्स और गाइडेंस है और अच्छा बेहतर बेटर तरीका ये है कि आप उसे रिटर्न फॉर्म में बताएं। तो ये पॉलिसी मैनुअल का काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स की। एक हिस्सा तो हमारा हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें से आपको ज़्यादा एग्जाम टेस्ट भी नहीं होता हार्डली। आपको अगर आप ही के तो 1-2 MCQs या 3 MCQs आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स की। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है? लास्ट जो क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। और इसमें काम क्या होता है? हमारा काम होता है कॉस्ट कलेक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि हम कॉस्ट कलेक्ट कर सकें, इन्वेंट्री को हम वैल्यू कर सकें। इन्वेंट्री का मतलब है जो गुड्स हैं हमारे, ठीक है, उनको हम वैल्यू कर सकें कि यार इस गुड्स की हमें क्या कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। अब हम कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं गुड्स के? दो पर्पस के लिए, अपनी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। जो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हमें शो करना होता है कि यार जो इन्वेंट्री हमने रखी हुई उसकी क्या वैल्यू है। प्लस हम इंटरनल यूज के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट का आइडिया होगा तभी हम उसके हिसाब से कोई प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो काम है हम दोनों पर्पस के लिए करते हैं। हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल पर्पस है उसके लिए भी करते हैं और अपने लिए इंटरनल पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड भी कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ पार्ट आ जाता है, जबकि मैनेजमेंट रिलेटेड काम भी होते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट बुक कीपिंग करने की दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले आपने जो है आपका जो F1 का कोर्स है उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो टॉपिक है वो आपको समझना पहले जरूरी है, ठीक है, कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। मैं लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। देखिए, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डबल एंट्रीज जो है आपकी टेस्ट होने के चांसेस बहुत बहुत लो है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है इससे डबल एंट्री से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर कोई आ भी गया तो हार्डली एक आध डबल एंट्री वो आपसे पूछ लेगा, दैट्स इट। क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डबल एंट्रीज का मेजोरिटी जो सारे का सारा ताल्लुक होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड होता है। तो जस्ट आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए इन चीजों की। तो ये जो है देखने से पहले आप एक दफा वो लेक्चर देख लीजिएगा F1 का कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, ठीक है, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल में, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने इन चीजों को देखना है, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अब कॉस्ट बुक कीपिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की दो अप्रोचेज होती हैं। नंबर वन होता है इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम और नंबर टू होता है इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे होते हो। कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली, ठीक है। जैसे अब आप कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, तो आपने एक रजिस्टर रख लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक रजिस्टर में आप सारा कॉस्ट रिलेटेड चीजें लिख रहे हैं और दूसरे रजिस्टर में आप सारी फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें लिख रहे हैं। तो इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम जो कंपनी ऑपरेट करती है उसमें वो उन्होंने सारा अलग रखा होता है, रिकॉर्डिंग कॉस्ट की और फाइनेंशियल की अलग रखी होती है। जबकि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों जो है वो साथ साथ ही आप बुक कीप कर रहे होते हो, ठीक है। आप दोनों साथ साथ अकाउंट कर रहे हो, अकाउंट फॉर कर रहे होते हो, रिकॉर्ड कर रहे होते हो। इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में बोथ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है। दोनों कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स आप साथ साथ लेके चल रहे होते हो। तो ये डिफरेंस है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में और इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में। आप इसको ऐसे समझें कि आपने कॉस्ट इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट रूम रखा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपने एक सेपरेट रूम रखा हुआ है। जबकि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में आप एक ही रूम में जो है ना दोनों चीजों को ऑपरेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अब क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इससे हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरलॉकिंग में सेपरेट रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के, जबकि इंटीग्रेटेड में एक रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यार फाइनेंशियल
फाइनेंशियल में क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कॉस्ट में क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपके पास एसेट्स होते हैं, एसेट लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम आप रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, रिसीवेबल्स अकाउंट होता है, पेएबल्स अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है। जबकि कॉस्ट अकाउंट का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड चीजों से होता है, कंपनी की जो चीजें हैं, जो कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड होता है, उसके अलावा नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट से कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या अकाउंट आप मेंटेन करते हो, स्टोर्स का अकाउंट, स्टोर्स के अकाउंट में आप जो आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ रही होती है, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हो। वेजेस का अकाउंट होता है आपका, जिसमें आप लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। ओवरहेड्स में आप अदर कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में आप प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हो कि एक प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो कॉस्ट अकाउंट्स में सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड ही होती हैं। तो इसमें डिफरेंस है कुछ फाइनेंशियल अकाउंट से। तो डिफरेंस अगर है फाइनेंशियल अकाउंट से तो कुछ डबल एंट्रीज में भी चेंजेस आएंगी। ये चेंजेस के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे फाइनेंशियल के जो कि कॉस्ट अकाउंट्स में आप नहीं रखते, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल कैश और क्रेडिट परचेजेस हैं, ठीक है। अब उनको आप परचेजेस हैं बेसिकली, उनको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में, यानी कि जहां पर आप दोनों अकाउंट्स को साथ साथ मैनेज कर रहे हो, या फिर इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हो। अब आप जब नॉर्मली परचेज करते हैं तो डेबिट आप करते हैं परचेजेस को कि आपने परचेजेस की, ठीक है, और क्रेडिट एंट्री आप करते हैं कैश के लिए, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल जो है बेसिकली डबल एंट्री पास करते हैं। ये मैं फाइनेंशियल की बात करूँ, फाइनेंशियल की डबल एंट्री आप पास करते हैं। अब अगर आप इंटीग्रेटेड जो है अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, तो अब डबल एंट्री सी क्या होगी, देखें, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं तो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस सिचुएशन में आप डेबिट करेंगे स्टोर्स अकाउंट को, क्यों, क्योंकि जो परचेज आप कर रहे हैं वो इन्वेंट्री की परचेजेस कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, मटीरियल परचेज कर रहे हैं, और वो मटीरियल्स कहाँ पर जाता है, वो स्टोर्स में जाता है। तो अब डेबिट करेंगे स्टोर्स अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। ऐसा इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में आपने ऐसे डबल एंट्री पास करनी होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं और सिर्फ आप बेसिकली कॉस्ट अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो अब डेबिट तो आपने स्टोर्स अकाउंट को कर दिया, लेकिन इस सिचुएशन में आप कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैश का अकाउंट आप कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता। कैश अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट, ये हम कॉस्ट बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने जो दूसरी डबल एंट्री पास कर दी है उसको आपने क्रेडिट कर देना है फाइनेंशियल अकाउंट के साथ, सिर्फ इसी नाम के साथ, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट, सिंपल। तो इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में आपने ऐसे ऑपरेट करना है। अब क्योंकि कैश अकाउंट आप नहीं मेंटेन करते कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपने क्रेडिट कैश की जगह क्रेडिट फाइनेंशियल अकाउंट को कर देना है, सिंपल, फाइनेंशियल लेजर अकाउंट। तो ये डिफरेंस होगा। एक और एग्जांपल है कि अगर आपने स्टाफ को वेजेस किए, पेमेंट की है, ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल में आप बेसिकली क्या करोगे, आपने अगर वेजेस पे की हैं तो आप डेबिट कर दोगे वेजेस अकाउंट को, क्रेडिट कर दोगे कैश को, ठीक है, क्रेडिट कर दोगे कैश को, नीचे मैंने किया हुआ भी है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें आपने, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। अब पेमेंट टू वेजेस है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम दोनों अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो डबल एंट्री पास की है वो आपने किया डेबिट वेजेस का अकाउंट यानी कि सैलरी का अकाउंट, और क्रेडिट आपने कर दिया कैश का अकाउंट। वेजेस अकाउंट क्योंकि कॉस्ट में भी बुक कीप होता है तो ये वाली डबल एंट्री भी पास होगी, और क्रेडिट कैश अकाउंट होता है तो ये फाइनेंशियल वाली भी पास होगी। तो दोनों इंटीग्रेटेड काम चल रहा है। लेकिन अगर इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम है और आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बुक कीपिंग कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो डेबिट आपने उसी तरह वेजेस किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट बुक कीपिंग में आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हो, तो आपने क्रेडिट दोबारा किसको कर देना है, फाइनेंशियल अकाउंट को ही करना है। तो ये डिफरेंस होगा। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट सारा वही अप्लाई होगा जो आपने FA1 में पढ़ा है। ओनली डिफरेंस ये होगा कि जो डबल एंट्री
जो अकाउंट आप कॉस्ट में मेंटेन नहीं करते, जैसे कैश का अकाउंट हो गया, जैसे रिसीवेबल्स का अकाउंट हो गया, पेबल्स का अकाउंट हो गया, उसकी जगह आपने जो है आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के नाम की एंट्री पास करनी है। ठीक है, इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों जो कॉस्ट बुक कीपिंग और फाइनेंशियल बुक कीपिंग साथ साथ हो रही होती है, और एंड पे हम उसको रिकनसाइल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, जबकि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना चाह रही है। इसके बाद जो है, देखिए ये जो सारा डबल एंट्री से कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जो है ना अनइम्पॉर्टेंट है आपके MA1 लेवल पे। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज का आइडिया होना जरूरी है। इसकी जो बेसिक्स हैं वो सारी आपने FA1 में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें आपके पास मौजूद होंगी। ठीक है, तो आपने वो उस हवाले से परेशान नहीं होना। अब हम आगे मूव करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स पे। अब ये तो हमने मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में बात की, इंटरलॉकिंग, इंटीग्रेटेड, जहाँ पे हम मैनुअली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न डे पे सारा कुछ जो है वो कंप्यूटराइज ही हो गया है। तो आजकल के दौर में हर जो बिजनेस है, हर बिजनेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस ही यूज कर रहा है, यानी कि बुक कीपिंग वगैरह सारी आपकी कंप्यूटर पे ही हो रही है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि क्विकर और मोर एक्यूरेट प्रोसेस है। कंप्यूटर का आप जो यूज करते हो उससे आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, स्पीडी प्रोसेस है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द मैनुअली। तो आजकल के दौर में तो हर जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वो सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ही यूज कर रहा है। जैसे कि क्विक बुक्स हैं, जैसे कि जीरो सॉफ्टवेयर है, और एक अलग, ये सारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ही हैं। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर वन, इनका बेनिफिट है कि रूटीन ट्रांजेक्शन कैन बी डन क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली। जो रूटीन की ट्रांजेक्शन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सुपर मार्केट है, उसमें काफी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हो रही हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो आप जल्दी जल्दी एंटर करते हो। ठीक है, बार कोड से स्कैन करते हो, रीड करते हो, उसी वक्त जो है ना वो आपके रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया है। मैनुअली जो है आप जब लिख के करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि स्टोरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली विल रिड्यूस पेपर यूजेज की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है बेसिकली वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेटा अब आप कंप्यूटर पर सेव कर रहे हो, अब आपको कागज की जरूरत तो है नहीं। तीसरी, मोर रिलायबल एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, के साथ साथ जो भी एंट्रीज आ रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो साथ साथ रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अगर वो चीजें साथ साथ रिकॉर्ड हो रही हैं तो एक अपडेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। और इसके बाद बेनिफिट क्या है? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट विद प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। हमने बात की थी कि मैनेजमेंट के ये तीन काम होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हो, अगर आपके पास जो ट्रांजेक्शन हैं वो अप टू डेट अवेलेबल हैं, तो आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बेस पे आप प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके बाद बेनिफिट ये है कि मोर टाइम कैन बी गिवन टू डेटा एनालिसिस। जो डेटा एनालिसिस है उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। पहले अगर आप मैनुअली पेपर पे काम कर रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग में इतना टाइम लग जाएगा कि जो असल चीज है एनालिसिस के, उस समय क्या एनालाइज किया कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमने आगे फ्यूचर में कैसे चीजों को लेके चलना है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। और कम्युनिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन की, वो ईजी हो जाती है। अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर उधर पास करनी है, आप जीमेल के थ्रू या फाइल के थ्रू आप डेटा आप आराम से ट्रांसफर कर लेते हो, एज कम्पेयर टू अगर आप जो है ना कागज के बंडल उठा के इधर उधर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करो अगर रिक्वायर्ड हो। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद जो है, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल वही चीज होता है कि इनपुट जो है ट्रांजेक्शन आप एंटर करते हो सिस्टम में, वो प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग आप कंप्यूटर बेस्ड है, और आउटपुट आ जाता है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट आपको चाहिए होता है वो आ जाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले होता है फाइल, कि फाइल क्या होती है। फाइल जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स होती है। देखें, ये कंप्यूटर वाली फाइल नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, उसमें जो फाइल बनी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ग्रुप, एक ग्रुप सिमिलर जो रिकॉर्ड्स है उनका ग्रुप बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल में आपका रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड बना हुआ है। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो जो रिसीवेबल की फाइल है उसमें हर कस्टमर जो है उससे आपने कितने कितने पैसे लेने हैं वो उसमें वो इंक्लूड होगा। तो फाइल जो है वो बेसिकली रिसीवेबल्स की है, और इसमें जितने भी कंपनी के रिसीवेबल्स हैं उनका रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है,
रिकॉर्ड जो है वो हर सिंगल बंदे का के बारे में जो डिटेल होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है, उसको रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे आपके पास रिसीवेबल की फाइल है, उसमें आपका कस्टमर ए है, उसमें आपका कस्टमर बी है, उसमें आपका कस्टमर सी है, इन सब की जो सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। फिर उसके बाद टर्म यूज होती है फील्ड। फील्ड बेसिकली करेक्टरिस्टिक बता रही होती है, एक एट्रीब्यूट बता रही होती है। हर फील्ड जो है वो एक सेपरेट डाटा एक चीज के बारे में बता रही होती है, ठीक है। जैसे अब ये कस्टमर ए है, अब कस्टमर ए से रिलेटेड जितना भी आपके पास जो डाटा है, ठीक है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसको कितने आपने क्रेडिट लिमिट दी थी कि कितने टाइम तक तुमने पैसे देने हैं, ठीक है, कितने इनवॉइसेस उसकी आउटस्टैंडिंग है, इस जितना भी इस बंदे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो आगे फर्दर फील्ड में सब कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप फील्ड कहते हो। तो बेसिकली फाइल का मतलब है कि एक ग्रुप है जिसमें आपने एक जैसे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, जैसे रिसीवेबल की आपकी एक फाइल होगी। अब हर उसमें जो रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है कि ये कस्टमर है, ऐसे हमने पैसे रिसीव करने हैं, वो रिकॉर्ड कहलाता है। कस्टमर ए का रिकॉर्ड ये है, कस्टमर बी का रिकॉर्ड ये है, कस्टमर सी का रिकॉर्ड ये है। अब रिकॉर्ड में आगे जो फर्दर चीजें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, वो आपका फील्ड कहलाती है, ठीक है। और फील्ड के अंदर कुछ की फील्ड होती हैं। की फील्ड जो है वो एक यूनिक यूनिक जो है ना नंबर होता है, यूनिक कोड जो होता है आपने जो दिया होता है एक बंदे को, ठीक है, उसको आप कहते हो की फील्ड। जैसे कि आपका ACC रजिस्ट्रेशन नंबर आपका की फील्ड है, आपने कोई एम्प्लॉय का नंबर जो है, एम्प्लॉय को आपने कोई नंबर एसोसिएट किया हुआ है, कोई कोड एसोसिएट किया हुआ है, तो हम उसको की फील्ड कहते हैं। और लास्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका नाम है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स मेक अप फील्ड्स एंड आर टिपिकली A to Z 0 to 9। बेसिकली जो फील्ड्स को बनाने में जो चीजें यूज होती हैं, अल्फाबेट्स और नंबर्स ही होते हैं, उनको आप कैरेक्टर कहते हो। A B C D 1 2 3 4, ये सारे आपके नंबर्स होते हैं, इनके कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट एक कैरेक्टर है, मतलब कि एक वर्ड है या नंबर है, कोई इसका मीनिंग नहीं होता। लेकिन कभी कभार जो है ना, एक कैरेक्टर भी आप उसको फील्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एम है, एम एक कैरेक्टर है यानी कि एक वर्ड है, लेकिन एम से आप मेल को रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी क्या बन गई, फील्ड बन गई ना। अगले का जेंडर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एम है या एफ है। तो इस तरह आप जो की फील्ड है, सॉरी सर, जो कैरेक्टर है उसको भी आप एज अ होल फील्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जिनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये चीजें मैं टेस्टेबल इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ा है उसके एग्जाम किट से क्वेश्चन करेंगे।